और हम पीड़ित लोग हैं, जो हमारे ऊपर व्यथा है, जो समस्या है, उस समस्या को बताएंगे तो शायद उस समस्या से निदान होगी। हम लोग कई बार कलेक्टर को, अपने यहाँ रीवा में, तहसील में, पटवारियों को, सरपंच को ज्ञापन दिया और मुखारबिंदों से बोला कि हमें लोगों को श्मशान की समस्या है, घर बनाने की समस्या है। और कई बार हम लोग चक्कर किए और सारे साथियों के साथ गए, लेकिन आज तक मुझे निदान नहीं हुआ। इसलिए हमें लोग दिल्ली आना पड़ा और हमने सोचा कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में सब लोग रहते हैं तो हम वहाँ जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे, शायद उसका निदान होगा। क्या समस्या थी आपकी? समस्या सारी मेरी ये थी कि हम लोग, जमीन हमारे पास घर बनाने के लिए नहीं है, और जब हमारी लोगों के परिवार में कोई किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है तो जलाने के लिए श्मशान नहीं है, और शासन का आदेश है कि घर घर में शौचालय बनवाएं, तो हमारे पास जब जमीन घर बनाने के लिए नहीं है तो हम शौचालय कहाँ से बनवा पाएं। और साहब, शासन आदेशित हुआ है शासन के तरफ से कि हम गरीबों को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए आवास दे रहे हैं, तो जब हमारे नाम जमीन ही नहीं है तो हम लोग आवास कहाँ पर बनाएंगे और कहाँ से मिलेगा आवास? आज तक हमें लोगों का न तो श्मशान की सुविधा प्राप्त हुई है, न तो मकान बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध हुई है, इसीलिए हम लोग दिल्ली आए हैं। धन्यवाद।